नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मार्च मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार देर रात आई रिपोर्ट में प्रदेश में 902 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 1081 कोरोना रोगी सामने आए थे। कोरोना रोगी के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सावधानी की अपील भी की है। वहीं होली पर भी सावधानी बरतने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र के डिकोलिया गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में आरएएस अधिकारी शिल्पी मीना की मौत हो गई। साथ ही आरएएस पति संदीप मीना गंभीर तौर पर घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दोनों जयपुर से स्वाईमाधोपुर जा रहे थे। शिल्पी अपने पिता से होली के त्यौहार पर मिलने जा रही थी। पुलिस ने बताया कि मृतक शिल्पी मीना अमीर जयपुर से महिला एवं बाल विकास विभाग में CDPO थी। संदीप कुमार गंगानगर के रहने वाले हैं, समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी बाबा श्याम की कुंज गलियां सूनी पड़ गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार होली पर्व पर जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु श्याम नगरी में रहते हैं, वहीं इस बार कोरोना की चपेट के चलते कस्बा सुनसान पड़ गया है। कोरोना के मद्देनजर तोरण गेट पर रिंगस DYSP बनवारी लाल धायल और थाना प्रभारी पूजा पूनिया ने मोर्चा संभाल रखा है। खाटू धाम में वार्षिक मेले के बाद 28 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं सोमवार को 19 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 9 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं बाबा श्याम का मंदिर भक्तों के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र में एक नहर में प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को नहर से निकलवाकर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने बताया कि दोनों का बाल विवाह हो चुका था, अब लड़की को ससुराल भेजने की तैयारी थी। ऐसे में युवती ने अपने प्रेमी के साथ नहर में छलांग लगा दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में चैत्र महीने के पहले ही दिन ज्येष्ठ जैसी गर्मी का एहसास हुआ। राज्य में सबसे ज्यादा गर्म इलाका जैसलमेर और चूरू रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे गर्म रातें अजमेर और जयपुर की हैं। यहां रात का पारा 26.4 और 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे की बात करें तो अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज हुआ है। राजस्थान में इस बार गर्मी ने समय से पहले ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते कुछ दिनों में पारा इस कदर ऊपर आया कि कई शहरों में दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। भीलवाड़ा जिले के हनुमाननगर थाना क्षेत्र के अम्रवासी गांव में होली के मौके पर पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर की सूचना से अम्रवासी गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची हनुमाननगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वारदात के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में शिमला पत्नी शैल बिहारी और राहुल मीना है। दोनों की हत्या शैल बिहारी ने किसी वस्तु के प्रहार से कर दी। आरोपी ने अपने ही घर में वारदात को अंजाम दिया। दोनों के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र के दुगस्ताऊ मार्ग पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पलटने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे में कार सवार 4 युवक बुरी तरह झुलस गए। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक को जायल के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 4th युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि कार सवार युवक जायल में होली का कार्यक्रम देखकर लौट रहे थे। कार सवार युवक कुर्सियां के रहने वाले लालाराम जाट, अमर सिंह और झालारण निवासी महेंद्र की मौत हो गई। अन्य युवक राकेश का उपचार जारी है। भारत ने सैम करेन की करिश्माई पारी के बावजूद इंग्लैंड की एक और बड़ा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेरकर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां 7 रन से जीत दर्ज करके श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 48.2 ओवर से 329 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इंग्लैंड दूसरे वनडे की तरह बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया और उसकी टीम 9 विकेट पर 322 रन ही बना पाई।
झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव में 11 केवी का करंट घरों में दौड़ने की जानकारी मिली है। घर में करंट दौड़ने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला घर में मोबाइल चार्ज लगा रही थी। करंट दौड़ने के मामले में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, वहीं परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के अंबामाता थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से दो युवकों की दर्दनाक मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को शवों को तालाब से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि होली खेलने के बाद दोनों युवक चांदपोल पुलिया के पास तालाब में नहाने उतरे थे। मृतकों की पहचान विशाल और उपेंद्र के रूप में हुई है। सिरोही जिले के आबूरोड थाना क्षेत्र के उपला खेजड़ा में विषाक्त पदार्थ के सेवन से विवाहिता की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सियावा की चुलिया फली में कानी गरासिया की मौत हो गई। विवाहिता ने उपचार के लिए पालनपुर ले जाते समय बीच राह में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर जिले के सूरसागर थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव में एक कंटेनर अनियंत्रित होकर बोलेरो पर गिर गया। हादसे में बोलेरो सवार महिला की मौत हो गई, जबकि दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका की पहचान सायरी देवी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।